हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर ई नोटबुक पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, किस तरीके से प्रोग्राम के अंदर क्लास के मेंबर्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक प्रोग्राम में क्लास को कैसे डिफाइन किया जाता है, किस तरीके से क्लास बनती है, कैसे ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं क्लास के, और ऑब्जेक्ट्स जो है मेंबर्स को, यानी डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को कैसे इस्तेमाल करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्सेस। एक्सेस मतलब अधिकार। एक्सेस स्पेसिफायर वो शब्द जो ये अधिकार दर्शाते हैं कि कौन सा मेंबर, कौन सा डेटा मेंबर या कौन सा मेंबर फंक्शन आपके प्रोग्राम के कौन से हिस्से में, क्लास के बाहर या क्लास के अंदर कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। आपके जो एक्सेस स्पेसिफायर है सी प्लस प्लस में वो तीन है। पहला है प्राइवेट, दूसरा है पब्लिक और तीसरा एक्सेस स्पेसिफायर है हमारे पास प्रोटेक्टेड। अब इन्हें वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। प्राइवेट जैसे कि नाम दर्शाता है, जो प्राइवेट है, जो क्लास के बाहर इस्तेमाल नहीं होगा, तो क्लास मेंबर्स वो मेंबर जिन्हें हम प्राइवेट डिक्लेयर कर देंगे वो सिर्फ और सिर्फ क्लास के मेंबर फंक्शंस के द्वारा ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। क्लास के बाहर उन्हें सीधे सीधे कोई भी इस्तेमाल, यानी डायरेक्टली कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ क्लास के दूसरे जो मेंबर फंक्शंस हैं उनके द्वारा ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये होते हैं आपके पास प्राइवेट मेंबर्स। नेक्स्ट है हमारे पास पब्लिक। पब्लिक जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, पब्लिक जैसे हम फेसबुक पे कुछ पोस्ट को पब्लिक कर देते हैं, उन्हें हर कोई देख सकता है, तो उसी तरीके से पब्लिक जो है वो मेंबर्स रहेंगे जो बाहर क्लास के एक्सेस किए जा सकते हैं, इनसाइड आउटसाइड द क्लास किसी भी तरीके से आपके प्रोग्राम में। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड मेंबर्स आपके पास स्पेशल टाइप का ये एक्सेस राइट है जो आपके पास प्राइवेट और पब्लिक के बीच के अधिकार रखता है। इसका मैक्सिमम जो बिहेवियर है वो कैसा है, आपके प्राइवेट जैसा ही है। जैसे प्राइवेट को आप, ये अगर आपकी क्लास है, क्लास के बाहर आप प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करना चाहोगे तो वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं होंगे, क्योंकि हमें पता है कि प्राइवेट जो मेंबर है वो सिर्फ और सिर्फ क्लास के ही दूसरे मेंबर फंक्शंस के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। एक छोटा सा उदाहरण हम यहाँ लेते हैं। अगर आपके पास घर में एक सदस्य है जिसका नाम राजेंद्र सिंह है और उसका घर का नाम राजू है, घर का नाम राजू मतलब उसका प्राइवेट नाम क्या हुआ, निकनेम राजू, घर से बाहर उसके इस नाम को कोई नहीं जानता, तो बाहर घर के बाहर कोई भी सदस्य या कोई भी दूसरा जो पर्सन है बाहर का, वो राजू कहकर किसी को भी संबोधन नहीं करेगा, क्योंकि उसे नहीं पता कि राजू नाम का कोई यहाँ रहता है। लेकिन घर के ही मेंबर फंक्शन, घर के ही वो सदस्य जो बाहर है, अगर ये बाहर जाते हैं, इन्हें तो पता है ना कि घर में कौन राजू है, तो इनके द्वारा तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्लास के बाहर डायरेक्टली उसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यही बर्ताव आपके पास प्रोटेक्टेड मेंबर्स का भी रहेगा कि सिर्फ मेंबर फंक्शन से ही उसे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसके बाहर जो है क्लास के बाहर वो डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं होंगे। फिर क्या फर्क है, क्यों हमने दो तरीके के जो है एक्सेस स्पेसिफायर बनाए अगर दोनों का ही बर्ताव आपके पास एक जैसा है? नहीं, प्रोटेक्टेड मेंबर आपके पास जब बात आती है इनहेरिटेंस की, ये स्पेलिंग यहाँ देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एफ नहीं आएगा, इनहेरिटेंस की जब बात आती है, विरासत की, यानी पहले से जो एक क्लास बनी हुई है उसी में कुछ और नई प्रॉपर्टीज ऐड करके, नए फंक्शंस ऐड करके हमने एक नई क्लास बना ली, यानी इस क्लास ने, नई क्लास ने जो पुरानी क्लास है उसका सारा का सारा डाटा, उसके सारे के सारे मेंबर फंक्शंस को इनहेरिट कर लिया, विरासत में ले लिया और अब अपने ऐड उसमें कर दिए। तो जहां इनहेरिटेंस का कंसेप्ट आएगा वहां पर आपके पास प्रोटेक्टेड मेंबर्स बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। हमें पता है कि प्राइवेट जो है क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होंगे, प्रोटेक्टेड भी क्लास के बाहर नहीं होंगे, सिर्फ क्लास के अंदर के मेंबर फंक्शंस इन दोनों को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पब्लिक बाहर इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन जब हमने इस पेरेंट क्लास से एक नई क्लास बनाई, चाइल्ड क्लास, जिसके अंदर प्राइवेट जो है आपके पास, पेरेंट क्लास तो पूरी की पूरी आएगी और एडिशनली कुछ अपने भी अलग से फीचर्स होंगे। अब जब चाइल्ड क्लास का कोई मेंबर फंक्शन होगा, वो अगर आपके पास पेरेंट क्लास के डेटा मेंबर्स, प्राइवेट डेटा मेंबर्स को इस्तेमाल करना चाहेगा तो वो उसे इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, प्राइवेट मेंबर्स को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, लेकिन वो प्रोटेक्टेड को इस्तेमाल कर सकता है। यही वो जो डेटा है, वो मेंबर फंक्शन जिसे पेरेंट ये चाहता है कि बाहर तो इस्तेमाल ना हो, लेकिन जब उसकी कोई चाइल्ड क्लास आए, कोई चाइल्ड क्लास बने,
तो वो मेंबर वहां जाकर इस्तेमाल हो पाए। तो उनको अलग करने के लिए हमने ये दो एक्स स्पेसिफायर बनाए हैं, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, एक घर में आपके पास काफी सारे सदस्य रहते हैं, डोरबेल बाहर लगती है जिसे पब्लिकली कोई भी बजा सकता है ना। तो डोरबेल रिंग करती है, बाहर से पब्लिकली कोई भी रिंग करेगा। अब आपके घर में दूसरी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे सोफा है, आपके पास कार है, इसे घर के ही सदस्य इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद जब इस ऑनर, ये जो मालिक है इस घर का, इसके जो बच्चे होंगे वो भी इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, इनहेरिट होकर ये उनके पास भी जाएंगी। लेकिन इस पर्सन का, जो इस घर का मालिक है, उसका बैंक अकाउंट जो है वो उसका प्राइवेट ही रहेगा। उसके मेंबर फंक्शंस, यानी वो खुद तो उसे इस्तेमाल कर सकता था या उसकी वाइफ उसे इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन जब ये इनहेरिट होकर इसके बच्चों के पास जो है, प्राइवेट मेंबर नहीं जा सकता। प्राइवेट मेंबर डायरेक्टली वो जाके बैंक में कि ये मेरे पिताजी का अकाउंट है, मुझे खोलना है, वो इसे नहीं खोल सकते, क्योंकि वो प्राइवेट है किस, उस पर्सन का, उस पेरेंट का। लेकिन जो आपके पास थे, आपके दूसरे जो एक्सेस थे, जो दूसरे जो आपके पास प्रॉपर्टी थी उस घर की, वो उसे डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेंबर कौन से हुए? प्रोटेक्टेड, जो इनहेरिट होके चाइल्ड के पास गए। और ये आपके पास क्या है? प्राइवेट, जो इनहेरिट होके नई क्लास में डायरेक्टली इस्तेमाल होने के लिए नहीं जाएगा। दूसरे तरीके हैं इस्तेमाल होने के, वो अलग बात है, लेकिन डायरेक्टली उसके जो है चाइल्ड क्लास के मेंबर फंक्शन उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये फर्क है आपके प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स में। इसके बाद बात आती है एक्सेस स्पेसिफायर्स के क्या फायदे हैं, क्यों बनाए गए हैं। हमारे पास क्लास में बहुत सारा ऐसा डाटा होता है जिसमें कि हम कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी स्टोर कर सकते हैं, और हम हर जानकारी को अगर ओपन कर देंगे कि कोई भी उसे खोल के या उसे चेंज कर सकता है या रीड कर सकता है, तो वो चीज़ें हमें नुकसान दे सकती हैं। इसलिए डाटा को छुपाना, जो हमने उसके कंसेप्ट्स पढ़े थे कि डाटा हाइडिंग, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, वो इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसे लागू करने के लिए हम हमारे जितने भी क्लास के मेंबर्स हैं उन सभी मेंबर्स को अलग अलग राइट्स दे सकते हैं, अलग अलग अधिकार दे सकते हैं कि कौन सा प्राइवेट रहेगा, कौन सा प्रोटेक्टेड रहेगा और कौन सा पब्लिक रहेगा। अगर हम अपनी क्लास बनाते हुए कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर, यानी प्राइवेट, प्रोटेक्टेड या पब्लिक, कोई भी शब्द का इस्तेमाल नहीं करते उन्हें डिक्लेयर करने से पहले, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या रहेंगे आपके पास? सारे के सारे प्राइवेट रहेंगे। एक बार गौर से देखिए, फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं। जो अब तक हमने पढ़ा, एक्सेस स्पेसिफायर कितने थे? 3, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड दी पब्लिक। क्लास के मेंबर फंक्शन, यानी क्लास के सदस्य को किस किस को इस्तेमाल कर पाएंगे? क्या प्राइवेट को कर पाएंगे? बिल्कुल। प्रोटेक्टेड को? हाँ जी। पब्लिक को? बिल्कुल हाँ। क्लास के बाहर ऑब्जेक्ट्स के द्वारा क्या प्राइवेट मेंबर इस्तेमाल होंगे? नहीं। क्लास के बाहर प्राइवेट जो है डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शंस इस्तेमाल नहीं हो सकते। प्रोटेक्टेड? वो भी नहीं होंगे। पब्लिक? हाँ, ये क्लास के बाहर भी इस्तेमाल, एक्सेस हो सकते हैं। अगर ये क्लास के बाहर, तो फिर क्या फर्क था? याद कीजिए, डिफरेंस हमने क्या पढ़ा था कि प्रोटेक्टेड मेंबर इनहेरिट होके सब क्लास में, जो नई चाइल्ड क्लास बनेगी, वहां के मेंबर फंक्शंस के द्वारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन प्राइवेट जो मेंबर होंगे, वो इनहेरिट होकर जो नई चाइल्ड क्लास बन रही है उसके मेंबर फंक्शंस के द्वारा एक्सेस नहीं होंगे, ये हो जाएंगे। ये फर्क था आपके पास प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में। अब एक उदाहरण ले लेते हैं, हम अपने क्लास के जो मेंबर्स हैं उनको अलग अलग एक्सेस स्पेसिफायर के साथ डिक्लेयर करेंगे। जैसे हमने पिछले उसमें भी एग्जांपल में पढ़ा था, लास्ट वीडियो में, हमें एक बॉक्स बनाना है, क्लास नाइट बॉक्स। हमने प्राइवेट मेंबर रखे क्योंकि हम नहीं चाहते कि बाहर का कोई भी सदस्य हमारे बॉक्स की लेंथ, ब्रेड, हाइट को बदले। तो हमने इन्हें क्या बनाया? प्राइवेट। लिखने का तरीका क्या होगा? ये कीवर्ड है प्राइवेट, स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है, और उसके बाद आप लगा दोगे कॉलन। फिर जितने भी मेंबर्स हैं आपके पास, वो सारे आप लिख दोगे जिनको आपको प्राइवेट बनाना है। जब आपको ये मेंबर खत्म हो जाए, दूसरे मेंबर जिन्हें पब्लिक बनाना है, तो आप लिखेंगे पब्लिक कीवर्ड स्मॉल लेटर्स में, और उसके बाद कॉलन, और फिर जितने भी पब्लिक मेंबर हैं उनकी डिटेल्स यहाँ दे देंगे। हमने यहाँ प्रोटेक्टेड का इस्तेमाल नहीं किया है। प्रोटेक्टेड करना है तो प्रोटेक्टेड कीवर्ड स्मॉल लेटर्स में लिखिए, उसके बाद आप कॉलन लगाइए, और फिर जो भी मेंबर्स आप लिखेंगे वो क्या होंगे? प्रोटेक्टेड होंगे। अगर आप ये इस्तेमाल ना करते तो क्या होता? कुछ नहीं। बाई डिफॉल्ट हमें पता है मेंबर्स क्या बन जाते? प्राइवेट बन जाते। यहाँ हमने क्लास को जो है आपके क्लोज किया है कर्ली ब्रैकेट और सेमी कॉलन से। ये थी आपके पास क्लास बॉक्स, जिसके ऑब्जेक्ट्स आप बना सकते हैं, क्लास का नाम और ऑब्जेक्ट का नाम। और फिर जब हम देखते हैं, अब देखिए इस क्वेश्चन को एक पूछने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हमने जो अब तक पढ़ा है उसमें, क्या हम प्रोग्राम के बाहर कहीं, प्रोग्राम के बाहर नहीं, सॉरी, क्लास के बाहर प्रोग्राम में v1.length लिख सकते हैं? सोचिए,
लेंथ कैसा मेंबर है? लेंथ क्लास का प्राइवेट मेंबर है। तो क्या क्लास के बाहर ऑब्जेक्ट के द्वारा उसको सीधा एक्सेस किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। क्या हम b1 डॉट बिल्ड बॉक्स रख सकते हैं, इसे एक्सेस कर सकते हैं? बिल्ड बॉक्स कैसा मेंबर है? पब्लिक मेंबर। तो क्या क्लास के बाहर ऑब्जेक्ट के द्वारा डायरेक्टली एक्सेसबल होगा? हाँ जी बिल्कुल होगा। तो ये थे आपके पास एक्सेस स्पेसिफायर्स। आज की वीडियो में बस इतना ही। एक्सेस स्पेसिफायर से लेकर अगर आप कोई भी डाउट है या इसमें आप और डिटेल चाहते हैं या कुछ और एग्जांपल्स जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। तब तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है अब तक, और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए, जैसे ही नई वीडियो आती है आपको जानकारी मिल जाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ हैप्पी लाइफ।